शाहरुख खान और जूही चावला की जोड़ी में बनने वाली सबसे पहली मूवी का नाम था राजू बन गया जेंटलमैन, जो कि साल 1992 में रिलीज हुई थी। इस मूवी ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 2,50,00,000 की कमाई की थी और मूवी एवरेज साबित हुई थी। इसके बाद इन दोनों की मूवी आई थी डर, जो कि साल 1993 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 4 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 11 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 22 करोड़ की और यह मूवी सुपरहिट साबित हुई थी। यह मूवी मेरी फेवरेट मूवी है। अगर आपकी भी यह फेवरेट मूवी है तो इस मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इसके बाद इन दोनों की मूवी आई थी राम जाने, जो कि साल 1995 में रिलीज हुई थी। मूवी का बजट 4 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 9 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 16 करोड़ की और मूवी सेमी हिट साबित हुई थी। इसके बाद इन दोनों की मूवी आई थी यस बॉस, जो कि साल 1996 में रिलीज हुई थी। 5 करोड़ के बजट में बनने वाली इस मूवी ने भारत में कमाई की थी 12 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 23 करोड़ की और मूवी हिट साबित हुई थी। इसके बाद इन दोनों की मूवी आई थी डुप्लीकेट, जो कि साल 1998 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 10 करोड़ था, भारत में भी 10 करोड़ की कमाई की थी, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 22 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इसके बाद इन दोनों की मूवी आई थी फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। इस मूवी का बजट 13 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 11 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 26 करोड़ की और मूवी फ्लॉप साबित हुई थी। इन दोनों की अगली मूवी का नाम था 1-2-4, जो कि साल 2001 में रिलीज हुई थी। मूवी का बजट 12 करोड़ था, भारत में कमाई की थी 7 करोड़ की, वर्ल्ड वाइड कमाई की थी 14 करोड़ की और यह मूवी डिजास्टर साबित हुई थी। तो दोस्तों, ये 7 फिल्में हैं जहां ये दोनों एक साथ दिखाई दे चुके हैं। इन 7 फिल्मों के अलावा कभी हाँ कभी ना, अशोका, चलते चलते, पहेली, ओम शांति ओम जैसी फिल्में हैं जहाँ शाहरुख खान लीड एक्टर थे, जबकि जूही चावला ने कैमियो रोल निभाया था, यानी कि कुछ देर के लिए नजर आई थी। जबकि भूतनाथ, क्रेजी 4, किस्मत कनेक्शन, लक बाई चांस और बॉम्बे टॉकीज जैसी फिल्मों में शाहरुख खान और जूही चावला दोनों ही कैमियो रोल में नजर आए थे। आप सभी दर्शकों से अनुरोध है कि अपनी फेवरेट मूवी का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप अमिताभ बच्चन, धर्मेंद्र, जितेंद्र, जैकी श्रॉफ, दिलीप कुमार, राजेंद्र कुमार, संजय दत्त, विनोद खन्ना, राजेश खन्ना, ऋषि कपूर, अजय देवगन, गोविंदा, सनी देओल, मनोज कुमार, शाहरुख खान, सलमान खान, अनिल कपूर जैसे बॉलीवुड के सुपरस्टार की सभी फिल्मों के बारे में जानना चाहते हैं या फिर और भी काफ़ी सारे विषय के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे चैनल फिल्मी सिनेमा को जरूर विजिट करें या फिर अपने सामने दिखाई देने वाली प्लेलिस्ट पर जरूर क्लिक करें। इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी लोगों का तहे दिल से धन्यवाद।